দেশত একেলগে লোকসভা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব নেকি? বিজেপিয়ে কিয় একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাটো বিচাৰিছে? অহা বছৰ লোকসভাৰ লগতে অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব নেকি? হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, বিজেপিৰ ফালৰ পৰা ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ এক দেশ এক নিৰ্বাচন। একে সময়তে লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে বিজেপিৰ ফালত। ইয়াক লৈ ৰাজনৈতিকভাৱে বিভিন্ন আলোচনা চলিছে। প্ৰশ্ন হৈছে, বিজেপিয়ে এই প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে কিয়? বিজেপি নেতৃত্ব নিশ্চিত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত জনসাধাৰণে ভোট দিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মুখলৈ চাই, কিন্তু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত নিজ নিজ ৰাজ্যৰ মুৰব্বীৰ মুখলৈ চাই ভোটদান কৰিব। কিন্তু যদিহে একেলগে লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তেনেহ'লে মোদীৰ নামত বিজেপিয়ে পুনৰ কেইবাখনো ৰাজ্য তথা দিল্লীত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব বুলি ধাৰণা কৰিছে। নিৰ্বাচনী আয়ুক্তৰ মতে এই সংক্ৰান্তত কোনো ধৰণৰ আইন নাই। প্ৰথমে সংসদে আইন প্ৰণয়ন কৰি ল'ব লাগিব। अगर पूरे देश का एक साथ कराने की बात हो तो मुझे लगता है कि बिना संशोधन के संभव नहीं दिखता, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट्स में करने की बात है तो जैसे कि अभी कल आया कि 11 राज्य इस तरह का कुछ मीडिया में आया, उस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में पॉसिबिलिटी इस हिसाब से दिखती है कि अगर वहाँ का हाउस वही मेजॉरिटी से चाहे कि साहब हमें तो इसके साथ इलेक्शन कराना है, हम अभी अर्ली डिसॉल्व कर लेते हैं, वो सब कर लेते हैं, तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशंस की पॉसिबिलिटी बनती है। पूर्व विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन एकेलगे अनुष्ठित हुई भाष्य कांग्रेस सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित नक एने सिद्धांत असम्भव। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते थे, वो मकसद तो 11 चुनाव कराने संभव हो नहीं सकता, सफल हो नहीं सकता। तो ये जो अप्रोच रखी वो गलत अप्रोच रखी इन्होंने। अगर ये देश चाहते तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से बात करते, क्योंकि इनको मालूम है कि आज़ादी के बाद में चुनाव साथ ही होते थे। वो अप्रोच नहीं रखी इन्होंने कि आज मान लो सब लोग पार्टी वाले मिलकर बात कर लेंगे, चुनाव साथ होंगे, तो भविष्य में जब विधानसभा कोई भंग हो गई या कभी लोकसभा भंग हो गई जो पहले हुई थी, तो वापस चुनाव साथ नहीं होंगे, तो उसका क्या होगा? कोई इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दिया, कोई इन्होंने अपनी बात नहीं बताई। अब जो ये बार बार बात करते हैं, मैं समझता हूँ डर के घबरा के कर रहे हैं, क्योंकि राज्यों में चुनाव जीतने वाले हैं नहीं, ना मध्य प्रदेश में, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़ में, ना मिजोरम में, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन एकेलगे अनुष्ठित करिले व्यय बहु परिमाणे ह्रास पाव बुली विभिन्न जने कैसे, किन्तु एकेलगे निर्वाचन अनुष्ठित करिबले प्रयोजनीय निरापत्ता बाहिनी आरु प्रयोजनीय अन्यान्य आनुषांगिक सामग्री निर्वाचन आयोग लगत आसे ना नाई, सेहे प्रश्नर विषय। ब्यूरो रिपोर्ट, DYT 65।